जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोजे के जो ये रमजान का महीना चल रहा है, राजेश टंडन जी जो हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इन्होंने पिछले 31 वर्ष से ये रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम लोग शरीक होकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और पूरे देश में, प्रदेश में और ख़ास तौर पे अजमेर जो है वो सूफीशियत के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। अजमेर एक ऐसा ज़िला है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग मिलजुल के सदियों से रहते आए हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जो रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम है इसमें हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं, मातेश्वरी से दुआ करते हैं कि हमारे प्रदेश में अमन चैन और भाईचारा बढ़े और कोई ऐसी ताकतें जो हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करें उनके जो इरादे हैं वो नेस्तनाबूद हों। और हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश में जिस ढंग से पूरे प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, जिस ढंग से जन कल्याणकारी योजनाएं वो प्रदेश की जनता के हित में लाए हैं, ख़ास तौर पे जो मेडिकल के सेक्टर में निरोगी राजस्थान का उन्होंने जो नारा दिया और अब तो बिल्कुल इलाज के मामले में जीरो मतलब खर्चे पे राजस्थान प्रदेश आ गया है, आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी है, 10 लाख का बीमा हो गया है, ये कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश बहुत ही आगे बढ़ा है। पूरा प्रदेश नंबर वन पे है, कोविड के मामले में हमारा प्रदेश पूरा नंबर वन पे रहा। और आप देख रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो प्रदेश में लागू की हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ये भी देश का पहला प्रदेश बना है। तो हम समझते हैं कि हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो गांधीयन आइडियोलॉजी पे सब धर्मों के लोगों को साथ लेके वो जनता की सेवा में लगे रहते हैं।